नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार ने 10 लाख आशा कर्मियों का मानदेय दोगुना किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार इस वर्ष 40,000 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस महीने के अंतिम सप्ताह से 10वीं, 12वीं और कॉलेज परीक्षाएं कराने की घोषणा की। सीरिया में कुर्द सेनाओं के खिलाफ तुर्की के सैन्य हमले की दुनिया भर में निंदा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अरब लीग आपातकालीन बैठक करेंगे। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की लवलीना बुरगोहाई और जमुना बोरो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से पुणे में। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 लाख आशा कर्मियों का मानदेय 1,000 रूपये से बढ़ाकर 2,000 रूपये प्रतिमाह कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को अन्य लाभ भी उपलब्ध कराने का फैसला किया है। 10 लाख आशा वर्कर्स को उनका जो मानधन था उसमें दुगुनी वृद्धि की है, 1,000 से 2,000 रुपए की है। उनको अन्य सुविधाएं देने का भी निर्णय हुआ है और लगभग 5 लाख गांव में जन आरोग्य योजना की कमेटियां बनी है। वेलनेस सेंटर 21,000 बने हैं, 40,000 इस साल में बनेंगे। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 5% महंगाई भत्ते की भी घोषणा की है। ये इस वर्ष जुलाई से दे होगा। इसका लाभ केंद्र सरकार की 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत लाभार्थियों को धनराशि जारी किए जाने के बारे में आधार संबंधी विवरण की अनिवार्यता में भी छूट दी है। ये रियायत इस वर्ष 30 नवंबर तक के लिए होगी। सरकार ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आए विस्थापित कश्मीरी परिवारों के लिए राहत पैकेज की भी मंजूरी दी। प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने रेडियो और टेलीविजन क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते का भी अनुमोदन किया है। इन समझौतों से लोक प्रसारक को नई प्रौद्योगिकी चुनौतियों और कड़ी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस महीने के अंतिम सप्ताह से 10वीं, 12वीं और कॉलेज परीक्षाएं कराने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों से कश्मीर में सर्दियां शुरू होने से पहले परीक्षाएं लेने को कहा गया है। राज्यपाल के सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई और फारूक खान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए। बैठक में विश्वविद्यालयों तथा स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी कॉलेज प्राचार्यों से अब तक पूरे न हो सके पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को 15 अक्टूबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि वे परीक्षा की समुचित तैयारी कर सकें। वर्ष 2017 बैच के सेमेस्टर 4 और 2019 बैच के सेमेस्टर 1 की लंबित परीक्षाएं भी इस महीने के अंतिम सप्ताह से शुरू होंगी। राज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को बोर्ड परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने को कहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार तेज होता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राज्य भर में रैलियां कर रहे हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। जैसे जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में चुनाव प्रचारों में तेजी देखी जा सकती है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में कुल 4 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे, जिनमें से 2 चुनाव प्रचार मुंबई में होने हैं और अन्य 2 परभणी तथा रावेर में। एनपीसीसी के अध्यक्ष बालासाहेब थोरात भी आज राज्य में 5 चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज महाराष्ट्र के लातूर, सांगली, सोलापुर तथा उस्मानाबाद जिलों में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 6 तथा शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 5 चुनाव रैलियों में शामिल होंगे। स्मृति जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार में और तेजी आ गई है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा फ्रांस से पहला रफाल विमान प्राप्त करते समय की गई शस्त्र पूजा की आलोचना करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला किया है। वहीं कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने राज्य में बेरोजगारी को रोकने में असफल रहने पर राज्य सरकार की आलोचना की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज महाराष्ट्र के नासिक में
सैन्य उड्डयन कोर को ध्वज प्रदान करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति सेना उड्डयन प्रशिक्षण विद्यालय में भव्य परेड के दौरान ये ध्वज प्रदान करेंगे। प्रेसिडेंट कलर यह सम्मान उत्कृष्ट सेवा का एक प्रतीक है और युद्ध और शांति दोनों के दौरान समर्पण और योग्य योगदान के माध्यम से सेना विमानन कोर द्वारा अर्जित किया गया है। सेरेमोनियल परेड की कमान कैट के कमांडेंट ब्रिगेडियर तरबजीत सिंह बावा भल्ला द्वारा की जाएगी। आर्मी एविएशन कोर ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया है और स्विफ्ट और श्योर के आदर्श पर खरा उतरे हैं। उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के बर्फीली चोटी से लेकर गुजरात के कच्छ के रण तक अपनी उपस्थिति महसूस कराई है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, नाशिक। तमिलनाडु के मामल्लपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच दूसरी औपचारिक बैठक की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दोनों नेताओं की बैठक शुक्रवार और शनिवार को होनी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस बार की शिखर वार्ता दोनों देशों के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंध बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। दो देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण कारक हैं, जिन पर अभी तक आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया है। इस वार्ता के बाद मामल्लपुरम और चीन के बीच व्यापार और पर्यटन के अवसर बढ़ने की भी काफी उम्मीद की जा रही है। वुहान शिखर वार्ता में 2018 में अनौपचारिक बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसने दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व को सीमाओं से परे जाकर बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। जया सिंह के साथ अंशुमान मिश्र, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने एक स्टिंग ऑपरेशन के सिलसिले में समाचार पोर्टल नारद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैथ्यू सैमुअल को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। सैमुअल को कल गिरफ्तार किया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था। एक वीडियो में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और एक आईपीएस अधिकारी को एक फर्जी कंपनी के प्रतिनिधियों से लाभ देने के एवज में पैसे लेते हुए दिखाया गया है। सीबीआई ने नारद मामले में आईपीएस अधिकारी एसएमएच मिर्जा को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में पिछले कई सप्ताह में तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और मंत्रियों से पूछताछ की है, जिनमें सुब्रत मुखर्जी, शुभेंदु अधिकारी और सांसद सौगत रॉय शामिल हैं। मुंबई की एक अदालत ने 4,355 करोड़ रुपए के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग को इस महीने की 3 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। बैंक के पूर्व अध्यक्ष वरियाम सिंह की गिरफ्तारी शनिवार को हुई थी। इन तीनों को अपर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजी शेख के समक्ष पेश किया गया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इनसे पूछताछ के लिए और समय की मांग की थी। जीवन बीमा निगम एलआईसी ने सोशल मीडिया के दावों का खंडन करते हुए अपने पॉलिसी धारकों को उनका धन सुरक्षित होने का भरोसा दिलाया है। एलआईसी के भारी घाटे में चलने की खबरों के बाद ये स्पष्टीकरण आया है। एलआईसी ने एक बयान में कहा कि ये खबरें गलत और बेबुनियाद हैं तथा निगम की छवि बिगाड़ने और निवेशकों में भय पैदा करने के उद्देश्य से फैलाई जा रही हैं। निवेशकों को आश्वस्त करते हुए निगम ने कहा कि उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सीरिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के मिशर्रफ गांव में तुर्की सेना के हवाई हमलों में 2 नागरिक मारे गए और 2 घायल हुए हैं। कुर्दिश नेतृत्व वाले सीरियाई डेमोक्रेटिक बल ने कल ये जानकारी दी। कल के हवाई हमले सीमा क्षेत्र से कुर्दिश बलों को खदेड़ने की सीरिया की कार्रवाई का हिस्सा है। संयुक्त अरब अमारात ने सीरिया में तुर्की सेना के हमले की कड़ी निंदा की है। संयुक्त अरब अमारात के विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय ने कहा कि ये आक्रमण एक गंभीर घटना है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अरब लीग भी सीरिया में तुर्की के हमले के मद्देनजर स्थितियों पर विचार करने के लिए शनिवार को विदेश मंत्री स्तर की आपात बैठक बुलाएगा। उत्तरी सीरिया में कुर्द नेताओं के खिलाफ तुर्की के सैन्य आक्रमण पर विचार विमर्श करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज आपातकालीन बैठक करेगा। सूत्रों के अनुसार बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और पोलैंड के अनुरोध पर परिषद की ये बैठक होनी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कोमोरोस और सियेरा लियोन की 5 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। भारत से इन 2 अफ्रीकी देशों की ये पहली आधिकारिक उच्च स्तरीय यात्रा होगी। श्री नायडू आज कोमोरोस की राजधानी मोरोनी पहुंचेंगे और कल वहां के राष्ट्रपति अजाली अस्सोमनी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।
भारत ने मोरनी में 18 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाने के लिए कोमोरोस को 4,16,00,000 की ऋण सहायता दी है। दोनों देशों के बीच व्यापार 2018-19 में 4,77,00,000 पहुंच गया। थाईलैंड के विदेश मंत्री डॉन प्रमोद विनयी 3 दिन की भारत यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंचे। उनकी यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। श्री प्रमोद विनयी आज विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। वे भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में भी भाग लेंगे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज से पुणे में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम में पहले मैच में 203 रन से जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बना ली है। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण सुबह 9 बजे से हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। ये प्रसारण राजधानी चैनल, एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। रूस के उलान उदे में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की लवलीना बोरगोहाई ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में और पहली बार प्रतियोगिता में भाग ले रही जमुना बोरो ने 54 किलोग्राम भार वर्ग में कल अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बोरगोहाई को पिछली बार कांस्य पदक मिला था। आज क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में बोरो का मुकाबला चौथी वरीयता प्राप्त बेलारूस की खिलाड़ी से होगा। एक दूसरे मुकाबले में बोरगोहाई का मुकाबला 6वीं वरीयता प्राप्त इस वर्ष यूरोपीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कैरोलिना कोजेवस्की से होगा। भारत ने सैफ अंडर 15 महिला फुटबॉल प्रतियोगिता 2019 के पहले मैच में नेपाल को 4-1 से हरा दिया है। शुक्रवार को भारत का दूसरा मैच भूटान से होगा। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की अनूठी पहल में राज्य का पर्यटन बोर्ड 12 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सिटी वॉक समारोह आयोजित करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस समारोह में स्थानीय लोगों के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी हिस्सा लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद मुकेश। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की खबर सभी अखबारों में है। जनसत्ता की सुर्खी है केंद्रीय कर्मियों को दिवाली का तोहफा। दैनिक भास्कर का शीर्षक है केंद्रीय कर्मियों का डीए 5% बढ़कर 17% हुआ। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से बाजार ने लगाई छलांग। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पीओके के विस्थापित प्रत्येक परिवार को 5.5 लाख रूपये मुआवजा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के भारत दौरे पर अमर उजाला की सुर्खी है जिनफिंग से कश्मीर पर बात नहीं करेंगे मोदी। हिंदुस्तान के मुताबिक मोदी को पत्र लिखने वाली 49 हस्तियों पर केस वापस। बकौल राजस्थान पत्रिका राहुल के चले जाने पर कांग्रेस में छिड़ी रार, भाजपा भी बीच में कूदी। नवभारत टाइम्स लिखता है पाकिस्तान से आने वाली धूल की घुसपैठ रोकेगा ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। देश बंधु के अनुसार दिल्ली से गुजरात तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी होगी ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय सहारा ने हिंडन सिविल एयरपोर्ट के कल शुरू होने की खबर देते हुए लिखा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के लिए शुरू हो जाएंगी उड़ानें। दैनिक जागरण के अनुसार अब जियो से दूसरे नेटवर्क से फ्री में नहीं होगी बात, दूसरे नेटवर्क पर बात करने पर लगेगा 6 पैसे प्रति मिनट शुल्क। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 10 लाख आशा कर्मियों का मानदेय दोगुना किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकार इस वर्ष 40,000 स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना करेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने इस महीने के अंतिम सप्ताह से 10वीं, 12वीं और कॉलेज परीक्षाएं कराने की घोषणा की। सीरिया में कुर्द सेनाओं के खिलाफ तुर्की के सैन्य हमले की दुनिया भर में निंदा। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अरब लीग आपात बैठक करेंगे। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की लवलीना बोरगोहाई और जमुना बोरो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से पुणे में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।